आपके पास टाटा पावर का शेयर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखिए टाटा पावर ने इसका Q4 रिजल्ट अभी अभी अनाउंसमेंट कर दिए, यानी सैटरडे को इसका Q4 रिजल्ट आया, और जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर टाटा पावर की तरफ से निकल कर आ गए हैं। और इसका रिफ्लेक्शन, इसका जो अच्छा रिजल्ट आया है, इस रिफ्लेक्शन इसका आपको देखने को मिलेगा मंडे को, यानी सोमवार को। सोमवार का जब भी मार्केट ओपन होगा तो टाटा पावर का स्टॉक में आपको एक बहुत बड़ा तेज़ी, बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो टाटा पावर का Q4 रिजल्ट आया है बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। मैं सारे रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टाटा पावर ने फिलहाल अभी अभी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दे चुकी है। इसका Q4 रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों 1.75 रुपया का डिविडेंड मिलेगा आपको, मतलब पर शेयर आपको 1.75 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है, और टाटा पावर की तरफ से बहुत बड़ा डिविडेंड है अभी तक का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि Q4 रिजल्ट क्यों कितना अच्छा है, और क्यों हम कह रहे हैं कि मंडे इसका बहुत ही अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम रिजल्ट की तरफ देखिए चाहिए तो देख सकते हो, यह होता है टाटा पावर रिजल्ट का पूरा शेट। मैं आपको अगर यहाँ पर दिखा दूँ तो सबसे पहले हम इनकम से शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हम टोटल इनकम को देखिए, टोटल इनकम यह होता है टोटल इनकम का पेस। अगर आप देखा जाए तो पिछला साल इसका जो इनकम हुआ था 2021 के Q4 रिजल्ट में इसका प्रॉफिट इनकम आया था 10,797 करोड़, लेकिन इस साल यानी 2022 का इस क्वार्टर फोर में इसका रिजल्ट आप इनकम आया 12,219 करोड़। आप देख सकते हो कितना बड़ा जाम है, ये 10,000 से सीधा सीधा 12,000 तक पहुंच गया, मतलब 2,000 करोड़ का प्रॉफिट इनकम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप क्वार्टर बेसिस में देखें, जो Q3 में 2022 में जो Q3 रिजल्ट है उसमें इसका इनकम था 11,018 करोड़, मतलब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी 1100 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है इनकम। तो यह था इनकम चला गया, मतलब इनकम बहुत शानदार नज़र आ रहा है। अगर हम इसका प्रॉफिट की तरफ जाए, नेट प्रॉफिट, तो देखें यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा जाम देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो 11 नंबर का यहाँ पर लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कॉम्बिनेशन कंटिन्यू ऑपरेटिंग। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल यानी 2021 की Q4 में इसका प्रॉफिट था 570 करोड़, लेकिन इस बार इसका प्रॉफिट आया है 1100 करोड़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा जाम है यार बेसिस में, कहाँ 570 करोड़, कहाँ 1100 करोड़, लगभग डबल हुई है एक साल में इसका प्रॉफिट। और अगर आप क्वार्टर बेसिस में देखें तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। अगर आप 2022 में जो Q3 रिजल्ट है, Q3 में इसका प्रॉफिट था 551 करोड़, यहाँ से भी देखें तो 551 से ये डबल हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर टाटा पावर की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो ये तो चला गया सारा प्रॉफिट। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका एक्सपेंस कितना है, यानी खर्च कितना है, क्योंकि खर्च भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट जितना भी इनकम जितना भी क्यों ना हो, एक्सपेंस भी उतना हिसाब से कम होना चाहिए। तो चलिए हमें एक्सपेंस की तरफ देखें, तो ये होता है टोटल एक्सपेंसेस, मतलब टोटल खर्च को अगर देखा जाए। तो देखिए पिछले साल यानी 2021 में इसका Q4 में इसका एक्सपेंस था Q4 तक 10,359 करोड़ से, अभी इसका देखें तो 2022 में जो Q4 रिजल्ट है इसमें इसका एक्सपेंस है यानी खर्च है 11,991 करोड़, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ 1,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आपको नज़र आएगा, मतलब बहुत बड़ा जंप नहीं है यहाँ पर एक्सपेंस में, यानी छोटा सा जंप है, मतलब बहुत ही शानदार है कि आपका खर्च कम हो रहा है पिछले साल से। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो क्वार्टर थ्री में लगभग 11,000 करोड़ था, मतलब 10,990 करोड़, उसके हिसाब से देखो तो सिंपल आपको यहाँ पर 1,000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा हुई है, जो हाल ही में हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से बहुत कम नज़र आ रहा है। तो चलिए यह तो सारा रिजल्ट हमने देख लिया कि बहुत शानदार रिजल्ट आया है। अब हम देखते हैं कि जो स्टॉक होगा, इस स्टॉक मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो टाटा पावर में एक बहुत ही शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा। ये आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब भी मार्केट ओपन होगा तो बहुत ही शानदार तेज़ी टाटा पावर में मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आप देखेंगे जब भी किसी भी स्टॉक का रिजल्ट आता है तो वो अच्छा रिजल्ट आता है तो तेज़ी से ऊपर की तरफ भागना लगता है, लेकिन सैटरडे को जब इसका रिजल्ट आया टाटा पावर का तो वो मार्केट में दोस्तों क्लोज हुआ था, यानी 3:30 बजे के बाद इसका रिजल्ट निकल कर आया, इसका नंबर आया। तो ये जो इसका अच्छा रिजल्ट और जो डिविडेंड का न्यूज़, गुड न्यूज़ का अनाउंसमेंट का जो आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ का रिफ्लेक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा मंडे जब मार्केट ओपन होगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मंडे आपको टाटा पर कम से कम 10 से 15 पॉइंट ऊपर नज़र आएगा, मतलब
अभी फिलहाल इसका जो मार्केट प्राइस है 247 रुपये 95 पैसे मैंने 247 रुपया के आसपास है, लेकिन मान लिया आपको ये 270-60 के आसपास देखने को मिल सकती है, लिख लीजिए ऐसा होने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है जब KPIT टेक्नोलॉजी का जब रिज़ल्ट आता है तो उस वक्त भी KPIT टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था जिस दिन आया था। अब बात करें अदानी पावर का जब रिज़ल्ट आता है तो वो भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, लेकिन टाटा पावर का रिजल्ट आया मार्केट क्लोज के बाद और इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा मंडे जब मार्केट ओपन होगा। तो आप रेडी रहने का कि मंडे आपको बहुत ही अच्छा रैली नज़र आएगा टाटा पावर के स्टॉक में। और दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि टाटा पावर ने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दी है 1.75 रुपये, इसका सारे टाइम आज निकल कर आएगा, यानी कितना तारीख को डिविडेंड आपका बैंक अकाउंट में क्रिएट होगा और आप कितना ये एक्सपायरी डेट है सब आज निकल कर आएगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा। अगर आप चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे इसका न्यूज़ आता है पूरा शेड्यूल आ जाता है डिविडेंड का सब आपको मिल जाएगा।